हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मिहिर, आपका होस्ट, और आप देख रहे हैं मेरा चैनल जीपीएस बाबा। आज हम लोग जा रहे हैं महा ऑटो में, वहां पे अपना एक छोटा सा इवेंट होने वाला है। सो महा ऑटो इज अ हेलमेट एंड बाइकिंग एक्सेसरीज का शॉप। यहां पे ऑलरेडी कुछ लोग दिख रहे हैं। बीएमडब्ल्यू का ग्रुप आने वाला था और आज अपना ग्रुप आने वाला था। दिस इज द स्टोर और ये अपने ओनर है, इनका भी YouTube चैनल है, इनसे आपको मिला देता हूँ मैं। बाइकर ज्ञानी मस्त भाई एकदम। तो इनका भाई चैनल है बाइकर ज्ञानी करके, सब्सक्राइब कर देना इनको भी। पूरा स्टोर के बारे में बता दे, क्या क्या नया नया प्रोडक्ट्स आ रहे हैं बाइकिंग के ऊपर, और ऊपर से राइड भी करते हैं उसका भी डालते हैं वीडियोस। न्यू लॉन्च 650 विस्ट्रो एडवेंचर टू स्पोर्ट बाइक। ये 650 इंजन है, इसका बी एच पी मेंशन आपको 70 बी एच पी है, तो इसका टॉर्क जनरेट होता है कि 62। तो जैसा कि आपने देखा, आज यहाँ पे हम लोग आए हैं सुजुकी वी स्ट्रॉम के इवेंट के लिए। बाइक काफ़ी अच्छा है, सब लोग चला रहे हैं, मैं भी अभी चला के देखने वाला हूँ। वैसे तो मैंने एक बार चला लिया था, बट मैंने मोड्स वगैरह ट्राई नहीं किए थे, तो उनसे हम लोग थोड़ा सीखेंगे कि मोड्स वगैरह क्या क्या है, कैसे यूज़ करना है, क्या है, वो भी आपको मैं दिखा दूँगा वीडियो में। जैसे कि आपने इग्निशन ऑन किया, डिस्प्ले में आपको ये तीन मोड दिखते हैं। ओके, ठीक है। आपको सिलेक्ट बटन है, आपको सिलेक्ट करना है। अगर टोटल आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो तो टोटल आपका ट्रैक्शन काम नहीं करेगा, तो ऑफ पे रखना है आपको। ओके, ओके। अगर आप स्लिपरी रोड पे कर रहे हो, जैसे नॉर्मल रोड पे गाड़ी चला रहे हो, तो ट्रैक्शन आपका वन पे चला जाएगा। ओके, तो आपका रोड ग्रिप अच्छा रहता है। हाँ हाँ, ठीक है। अगर आप बारिश का टाइम कर रहे हो ना, बारिश का टाइम गाड़ी चला रहे हो, तो आपको सेकेंड पे लेना है ट्रैक्शन, ताकि आपका ट्रैक्शन रोड ग्रिप अच्छा मिले। तो चलिए शुरू करते हैं राइड को। थोड़ा हाथ बैठने तक मैं आराम करूँगा। जबरदस्त है बाइक, जबरदस्त। सिमिलर रेंज में वर्सेस भी चलाया है, तो वर्सेस के कंपैरिजन में काफ़ी निम्बल बाइक है ये, काफ़ी हल्का है, और पावर डिलीवरी देखने जाए तो थोड़ा मेरे को ज़्यादा लग रहा है, लेकिन टॉर्क थोड़ा सा स्लाइटली कम है वर्सेस से। एंड ओ भाई, रास्ता ख़त्म हो जाता है यहाँ पे, लेकिन पावर ख़त्म नहीं होता है। सो फार तो मेरे को काफ़ी पसंद आया गाड़ी। ये मिरर इसके काफ़ी बड़े हैं, तो मतलब बहुत बढ़िया विजन मिलता है इसमें। सीट भी बहुत कंफर्टेबल है, अगर लॉन्ग राइड करना है तो भैया ये बेस्ट है। न्यूट्रल पे चला गया। अभी फ़िलहाल आज का जो इवेंट है वो एंजन सुजुकी ने रखा हुआ है, और पावर डिलीवरी जैसा है वैसे ही इसका ब्रेकिंग भी काफ़ी अच्छा है। बाइक दिखता है उससे काफ़ी स्टेबल है और काफ़ी इजी टू कंट्रोल है। अभी मैंने तो ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ पे चला रहा था मैं, तो ये इतना अच्छा चल रहा था। जाते हैं नाश्ता करने, जो अपने लिए यहाँ पे स्पेशली लाया गया है। ओहो, ख़त्म ही हो गया एक्चुअली। तो लकीली अपने को थोड़ा सा नाश्ता बचा हुआ मिला था, वो करके थोड़ी देर दोस्तों के साथ गप्पे शप्पे लड़ाए, सबको ब्रीफिंग दे दिया क्या क्या करना है, कैसे जाना है, कहाँ पर जा रहे हैं, और फाइनली हम लोग निकल चुके हैं अलीबाग की तरफ। तो रेवदंडा क्रॉस करके हम लोग आ चुके हैं कोरलाई फोर्ट के पास। ये जो सामने पहाड़ दिख रहा है उसके ऊपर कोरलाई फोर्ट है, पानी के अंदर है ऐसे पूरा। तो मेन रेवदंडा टू काशीद बीच वाला जो रास्ता है, वहाँ से अंदर आके ऐसा मिलेगा आपको जगह। सो अभी सामने अपने फोर्ट है, बस यहाँ पे जाना है। ये देखो ऑलरेडी कार्स ऊपर आ चुकी है, तो यहाँ पे अपने को गाड़ी पार्क करना है। We'll just park at this place. तो सब लोग ने अभी बाइक यहाँ पे पार्क कर दिया है, अभी ऊपर जाना है अपने को फोर्ट के ऊपर। ये बाजू में ही फोर्ट है, और चल के आना है तो ये ऊपर से ऐसे जाना पड़ता है घूम के पूरा, और ये साइड पे बीच है। हाँ, जैसे जमता है वैसे अपने हिसाब से चलो। मेरी तो उधर से इधर आने में फट गई। चालू भी नहीं किया रे अभी। तो ऐसे कुछ रास्ता है जाने का ऊपर, मोर देन हाफ कवर कर लिया रास्ता, 10-15 मिनट्स, दैट्स इट, उतना ही चढ़ना है ऊपर। तो फोर्ट के ऊपर से ये एकदम ऐसा मस्त वाला व्यू आता है,
ये देख लो, और ये अपना फोर्ट। तो आज लास्ट टाइम जैसे आए थे वैसे गेट बंद नहीं है, गेट चालू है, तो अंदर जाने मिल रहा है अपने को। और यहाँ से एक रास्ता है, वो देखो वहाँ पे भी जाने को रास्ता है, और ये ऊपर भी फोर्ट का पार्ट है, अभी दिखेगा नहीं लाइट में, जाके दिखाता हूँ। टेक 32। अच्छा, दिस प्लेस हैज बीन डिस्कवर्ड बाय आवर मोज भाई। मोज भाई, यहाँ पे देखो, यल्ला या बीबी। तो जैसे ही फोर्ट से अंदर आए हम लोगों ने मारा लेफ्ट, और लेफ्ट मार के अभी ये पीछे जो दरवाजा दिख रहा है वहाँ से जा रहे हैं ये साइड। तो अभी यहाँ पे क्या है पता नहीं, व्यू कैसा है, लेकिन जाके देखेंगे। मैं भी पहली बार जा रहा हूँ, लास्ट टाइम जब आया था तो मैं दीवार से वो साइड पे गया था, तो जितना दीवार के बाहर से दिख रहा था उतना ही, क्योंकि दीवार से आई गेस यहाँ तक कुछ आ सकते हैं, उसके आगे नहीं जा सकते। तो अभी ऐसे जाना है, ऐसे नीचे उतरना है, यहाँ पर थोड़ा संभाल के उतरना पड़ेगा, लूज पत्थर है, कैनन पड़ा है वहाँ पर, दिखाता हूँ मैं आपको। तो ये पूरा एक वॉच टावर का सेक्शन है, यहाँ से लेके ऐसे पूरा पीछे का, ऊपर से देखता हूँ क्या है। ओ, नीचे भी और है, यहाँ पे भी जा सकते हैं, वॉच टावर से नीचे पूरा ऐसे जाना है, बहुत बड़ा सेक्शन है। ये देख लो, अरे मैं पहली बार आया हूँ भाई इधर ये साइड में, मैं ऊपर गया हूँ एक बार। कैसा ये मतलब पहला व्लॉगर है ऐसा जिसको कंटेंट नहीं चाहिए, भाई है रास्ता दिख रहा है वो वहाँ पे, तो रास्ता दिख रहा है एक, यहाँ से जा सकते हैं। हाँ नीचे से है रास्ता, यहाँ से ऐसे है ना, यहाँ से जाने का। ओहो, ऐसे उतरना है सब झाड़ियों में से, यहाँ से नीचे पानी तक जाने को रास्ता है, थोड़ा नीचे पत्थर भी है, वहाँ पे भी कैनन है, वहाँ पे कुछ एंट्रेंस है या क्या पता नहीं, टनल है। कहाँ पे निकलेगा? गेटवे ऑफ इंडिया निकलेगा। हाँ सही है। ये सामने यहाँ पे रेवदंडा बीच है, आगे का वहाँ पे किधर तो फोर्ट है, रेवदंडा फोर्ट वो साइड पे। ये देखो ये तो, अरे कहाँ से लोग निकले, आई गेस यहाँ से रास्ता नीचे बीच पे जाने के लिए है। तो फाइनली चार लोगों ने डिसाइड किया कि नहीं जाएंगे बाहर, पांच, एक और आ रहा है अपने साथ। मन तो बन ही जाता है, ललचा जाता है, अभी यहाँ तक आए और थोड़ा सा आगे नहीं गए तो मतलब नहीं बनता है। यहाँ पे जा रहे हैं अंदर, ये गुफा के अंदर से वो साइड निकलेंगे, डायरेक्ट गेटवे ऑफ इंडिया निकलेंगे। गेटवे ऑफ इंडिया निकलेंगे, वहाँ पे एक और कैनन पड़ा हुआ है, वहाँ से भी जा सकते हैं। ओहो, ये देख लो व्यू, ओ भाई बढ़िया व्यू है। See, I tell you things you won't believe. Above the skies, overseas, I hear them all, those places calling me. To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the night's the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. तो वापस आके ऊपर पूरा थक गए, ये साइड पे भी बहुत है एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन आज नहीं जाएंगे, नेक्स्ट टाइम के लिए रखते हैं थोड़ा कुछ। तो नीचे तो हम लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी तक जर्नी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी यहाँ से जाना है अपने को लंच करने के लिए। तो लंच करने के लिए भी बहुत अच्छी जगह ढूंढ के रखी है, वहाँ पर जाना है अपने को। अभी ये बीच पर तो जा नहीं पाए, तो दूसरे बीच पर जाएंगे जहाँ पर अपने को छाव मिलेगा, पानी मिलेगा, खाना मिलेगा, क्योंकि अभी बॉडी सबका ड्रेन हो चुका है चल चल के। पानी हम लोग लाना भूल गए सुबह सुबह यहाँ पे, और ट्रैक करने चले गए तो थोड़ा तकलीफ हुआ उसके वजह से। बोतल चाहिए उनको, दूँ पानी? पानी चाहिए?
ठंडा बॉटल ले लो। आंटी एक ठंडा पानी का बॉटल लेना। ये देखो थके हारे सब यहाँ पे नौजवान ऐसे गिरे पड़े हैं। सबकी हालत हो गई थी, पानी नहीं था तो अभी पानी पी के थोड़ा जान में जाना। ये कोल्ड ड्रिंक भी बहुत सारा पिया, पानी तो देख के दिल खुश हो गया था। थोड़ी देर रुकेंगे और आराम करेंगे फिर जाएंगे। टेम्परेचर कितना? 36-38। फीलिंग तो 50 का आ रहा है। तो फाइनली हम लोग काशी बीच पहुंच गए हैं। यहाँ से ही नीचे उतरने का रास्ता चालू हो जाता है पहले से, और जहाँ पे हम लोग को जाना है वो पार्ट थोड़ा सा आगे है। अभी यहाँ पे अपने को क्या करना है, अपने को अच्छा सा एक रेस्टोरेंट ढूंढना है और वहाँ पे बैठ जाना है, अच्छा सा शैक ढूंढ के ऐसे। यहाँ पे तो ऐसे ही रहता है भाई संडे। मैं इसके लिए यहाँ पे वीकडे को आता हूँ या फिर सैटरडे वगैरह। अरे मैं इसके पहले एक बार आया था, असल कोई नहीं था, सैटरडे था। सैटरडे को कोई नहीं रहता है, संडे ऐसे ही रहता है। तो अभी अपना खाना खा के हो गया है और अभी यहाँ पे खाना खाने के बाद का थोड़ा प्रोग्राम है अपना। तो फिलहाल हम लोग का 3,500 का बिल हो गया, विच इज़ गुड फॉर 9 पीपल, और नॉनवेज वगैरह सब खा रहे थे तो अच्छा खासा है वैसे। तो अभी अपना इसके बाद का जो प्लान है ये वाला प्लान है, यहाँ पे थोड़ी देर सो जाऊँगा मैं, और सोने के बाद में फिर निकलेंगे। कम से कम 1.5 घंटा तो सोने वाला हूँ मैं अभी। तो आराम तो अपना हो गया है, अभी थोड़ा धूप में जाएंगे और बीच का भी आनंद ले लेंगे। यहाँ पे सब लोग का पहले तो प्लान था निकलने का, लेकिन अभी थोड़ा सोच रहे थे कि इधर तक आए हैं और बीच पे पैर टच नहीं किए तो गलत हो जाएगा, तो इसके लिए बीच पे भी जाएंगे। To never give up, to never back down. You get through the storm, even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me. तो विपिन भाई मेरे को एक बात बताओ, आपका इंटरव्यू लेना है मेरे को। हाँ। फाइनली आपको खजाना मिला कि नहीं? जो अभी खजाना आप ढूंढ रहे थे कैमरा से, ऐसा नीचे से जाके पूरा मेटल डिटेक्टर लेके घूम रहे हैं, खजाना मिला कि नहीं? मिला, मिला खजाना, मिला। मेरा जो खजाना है वो आपको अगर देखना है तो मेरे चैनल पे आके देखना पड़ेगा, लाइफ ऑफ द राइडर्स। प्रमोशन भी कर लिया उतने में। चलो अभी धूप बहुत ज़्यादा है और अभी जाने का टाइम हो गया अपने को, नहीं तो जाते पहुँचते पहुँचते बहुत लेट हो जाएगा। अभी यहाँ से फटाफट निकल ही लेते हैं। ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा लगा? इंटरेस्टिंग, पहली बार ऐसा महसूस हुआ है कि मतलब नए लोग ही मिलते तो अजनबी जैसा महसूस नहीं होता। सही में। अच्छा मेरे को एक मेन बात बताओ जी। हाँ। किसी को याद है अपना शैक कौन सा था इनमें से? कहाँ पे बैठे थे? ये वाला। हम लोग यहाँ पे थे। आगे आगे। अच्छा हाँ इधर से। ये वाला था। यहाँ से तो अभी चल दिए है। तो ये था फाइनल लोकेशन। यहाँ पे अपना अभी फ़िलहाल मूड है कि ऐसे मस्त फ़ोटो खींचेंगे यहाँ पे जाके, तो लेट्स सी। तो यहाँ पे अपना लास्ट पॉइंट रहेगा, इसके बाद सीधा घर के लिए निकलेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।